पनौती पनौती हाँ क्या पनौती पनौती देश को संभाला और आप उनको गाली दे रहे आप मोदी जी को पनौती बोलिए दे रहे आन बज बिलबिला रहे एकदम कीड़ा खतरे निकल गए एकदम वो वर्ल्ड कप में खड़ा होकर मैं कैमरा देख रहे कैमरा कहाँ है कैमरा कहाँ कैमरा भैया इधर आओ कल 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 फोटो उठाना गोदी मीडिया में जाएगा बुला सकते आप कपिल देव को नहीं बुलाए आज एबीपी के स्टूडियो में बैठ के कपिल देव से पूछा कि आप उस स्टेडियम में क्यों नहीं है आज कपिल देव क्या कपिल देव को देखकर सचिन बने कपिल देव को देखकर हिंदुस्तान में इतना क्रिकेटर बने आज हिंदुस्तान को पहला वर्ल्ड कप दिलाने वाला हस्ती का नाम है कपिल देव 1983 का आप उसको नहीं बुलाए सचिन को बुलाए बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी को बुला लिए और नरेंद्र मोदी को बैठा दिए लाकर भाई वो नरेंद्र मोदी नहीं आते तो शायद आज वर्ल्ड कप जीतते जोकर कतर आते आई वुड लाइक टू थैंक्स टू क्रिकेट इंडिया टीम एंड क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी जी बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI बिकॉज माई फादर इज होम मिनिस्टर एंड क्रेडिट गोज टू मोदी जी बिकॉज मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर देर इज नो क्रेडिट टू विराट कोहली देर इज नो क्रेडिट टू रोहित शर्मा एंड आई एम नॉट केपेबल ऑफ बींग हियर बट स्टिल माई फादर फोर्स मी टू सीट एज द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI अरे यार ये बंदा BCCI का प्रेसिडेंट है कैन यू इमेजिन ये BCCI जैसे क्रिकेट बोर्ड चला रहा है आज बताइए हमारे हिंदुस्तान में दो लड़के सुसाइड कर लिए मोदी जी का वजह से राहुल गांधी जी ने पनौती का एकदम हम समर्थन करते डंके का चोट में इसके मकबूल समर्थन करता है जो पनौती बोला और पनौती को पनौती ही बोला जाएगा और आप बोलते पनौती बोला राहुल गांधी को अरे मोदी जी ने खुद राजस्थान चुनाव में क्या बोला कि जाहिलों का सरदार राहुल गांधी को अब जाहिलों का सरदार बोलते हैं और मोदी जी कहते कि ऐसा बटन दबाओ कि कांग्रेस फांसी में लटक जाए और आपका चुने हुए सांसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर में खड़ा होकर एक मुसलमान नेता को गाली देता है आप बताइए मोदी जी बड़ा है या गांधी जी बड़ा है बताइए ना पत्रकार साहब कौन बड़ा है गांधी जी बड़ा है या मोदी जी बड़ा है गांधी जी को डेली गाली दिया जाता है गांधी जी का पुतला बना के आपका सांसद गोली मारता उसमें तब आपका मुँह नहीं चलता तब आप कुछ नहीं बोलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दी जाती है हमारे टी राजा सिंह जो नबी का शान में गुस्ताखी करता है गाली देता है उसको आप चुनाव लड़ा रहे वो कुछ भी बोल सकते हैं वो गांधी जी को गाली दे सकते हैं सोनिया गांधी को क्या कहा था ये कुत्ता अर्नब गोस्वामी एंटोनियो माइनो आप इटली से गाली गलौज करते सोनिया गांधी को एक इतना इज्जतदार महिला को जो अपना संस्कृति छोड़कर हिंदुस्तान में आके पूरा हिंदू संस्कृति को अपनाया देश को संभाला और आप उनको गाली दे रहे अरे आपने नोटिस किया होगा जब वो ड्रेसिंग रूम में गए तो ड्रेसिंग रूम में मोदी जी का आवाज़ बहुत क्लियर आ रही थी कैमरामैन दूर में है लेकिन आवाज़ क्लियर आ रही थी तो इसका मतलब मोदी जी अंदर माइक लगा के थे तो इसका मतलब मोदी जी को अपना प्रमोशन चाहिए था मतलब हम तो दुखी है हम सब भारतीय दुखी है कि इंडिया हार गया लेकिन एक बात बता अगर ये इंडिया वर्ल्ड कप जीतता ना भाई कसम खुदा की पूरा गोदी मीडिया का जो ब्रेकिंग न्यूज होता ना आज मोदी जी गए नरेंद्र मोदी स्टेडियम जीता भारत क्या भारत जीता मोदी जी का वजह से क्या बैटिंग मोदी जी कर रहे थे क्या बॉलिंग योगी जी ने डाला कीपर के अनुराग ठाकुर थे ये चलता सबसे पहली बात राहुल गांधी जी ने पनौती नहीं कहा ठीक है भीड़ से किसी ने पनौती कहा राहुल गांधी जी ने उसको रिपीट किया अब आप बोलते हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री को अगर किसी ने पनौती कहा तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं या उसको सही या गलत है अगर चोर को चोर बोला जाए तो मैं उसको सही बोलता हूँ रेपिस्ट को रेपिस्ट बोला जाए तो मैं उसको सही बोलता हूँ अगर पनौती को पनौती बोला जा रहा है तो एकदम सही है और वाकई में नरेंद्र मोदी देश के लिए पनौती है अब आप एक बात बताइए अब ये जो राहुल गांधी जी ने पनौती बोला ये पनौती में आएंगे कि उसका रिप्लाई में भाजपा मोदी जी ने खुद क्या क्या बोला वो तो हम बाद में बोलेंगे सबसे पहले जो पनौती शब्द है पनौती शब्द आया कहाँ से क्यों आया अचानक से पनौती जो ट्विटर में ट्रेंडिंग करने लगा इंडिया वर्ल्ड कप बहुत बढ़िया से मैच खेल रहा था पूरा 9 का 9 मैच पूरा जीता बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा था कि सबको लग रहा था कि इंडिया जीतेगा अब उसी के दौरान BCCI जो होस्ट कर रहा था इंडिया का वर्ल्ड कप उस जगह फाइनल मैच कहाँ कराया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किसने कराया क्यों कराया किसका डिसीजन था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा ये किसी को अभी तक नहीं पता इसमें जांच होना चाहिए इतना बड़ा वर्ल्ड कप हो रहा है फाइनल मैच हो रहा है वहाँ पे आपने किसको बुलाया चीफ गेस्ट नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री को चीफ गेस्ट बुलाया आपने बड़े बड़े टिकट देकर गेस्ट का इनविटेशन देकर आप बड़े बड़े सितारों को लेकर आए बड़े बड़े शाहरुख खान आए वहाँ पे दीपिका आए सबको आया लेकिन आप 1983 का कपिल देव का वर्ल्ड कप विनर उसको नहीं बुलाए आप सचिन तेंदुलकर को बुला सकते जो BJP का दलाल है आप उनको बुला सकते लेकिन आप कपिल देव को नहीं बुलाए आप इतने बड़े क्रिकेटर को
क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे सचिन को भी, क्यों नहीं बोलेंगे? ये कपिल देव को क्यों नहीं बोला है? आपको पता है उसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि ये वो कपिल देव है जब हमारे पहलवान, महिला पहलवान जब वहाँ पे दिल्ली का जंतर मंतर जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब बीजेपी का एक सांसद के ऊपर आरोप लगाया था तो हमारे ये कपिल देव ना उन पहलवानों के समर्थन में खड़े थे और ये सचिन तेंदुलकर मुँह में दही जमा कर बैठे थे। सचिन उस वक्त नहीं बोलते, सचिन उस वक्त ट्वीट नहीं करते जब मणिपुर में कुछ होता है, लेकिन सचिन उस वक्त ट्वीट जरूर कर देते जब केरल में कुछ होता है, बंगाल में कुछ होता है। तो क्यों नहीं बोलेंगे? आज कमेंट्री में जब इवन कमेंटेटर जो बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे थे वो खुद कह रहे हैं कि पीच क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पीच में क्या हो रहा है। आप सबको बुला सकते हैं, आप कपिल देव को नहीं बुलाए? आज एबीपी के स्टूडियो में बैठ के कपिल देव से पूछा कि आप उस स्टेडियम में क्यों नहीं है? आज कपिल देव क्या, कपिल देव को देखकर सचिन बने, कपिल देव को देखकर हिंदुस्तान में इतने क्रिकेटर बने। आज हिंदुस्तान को पहला वर्ल्ड कप दिलाने वाला हस्ती का नाम है कपिल देव, 1983 का, आप उसको नहीं बुलाए? सचिन को बुलाए, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी को बुला लिए और नरेंद्र मोदी को बैठा दिए लाकर। भाई वो नरेंद्र मोदी नहीं आते तो शायद आज वर्ल्ड कप जीतते। सबसे पहला बात, वो बीसीसीआई का हेड कौन है? अमित शाह का बेटा जय शाह, जिसको बैट पकड़ना नहीं आता। अब जैसा क्या करता है जब कुछ हो जाता है, जोकर का तरह आता है। आई वुड लाइक टू थैंक्स टू क्रिकेट इंडिया टीम एंड क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी जी बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई बिकॉज माई फादर इज होम मिनिस्टर एंड क्रेडिट गोज टू मोदी जी बिकॉज मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर। देर इज नो क्रेडिट टू विराट कोहली, देर इज नो क्रेडिट टू रोहित शर्मा एंड आई एम नॉट केपेबल ऑफ बींग हियर बट स्टिल माई फादर फोर्स मी टू सीट एज द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। अरे यार ये बंदा बीसीसीआई का प्रेसिडेंट है, कैन यू इमेजिन? ये बीसीसीआई जैसे क्रिकेट बोर्ड चला रहा है। आज बताइए, हमारे हिंदुस्तान में दो लड़के सुइसाइड कर लिए मोदी जी का वजह से। आज वर्ल्ड कप ना आयर वर्ल्ड कप ना आते ये बेचारे सुइसाइड नहीं करते। एक हम लोग का बागड़ा का लड़का है और एक उड़ीसा का लड़का है, और आप बोलते पनौती, राहुल गांधी जी ने पनौती का एकदम हम समर्थन करते, डंके का चोट में इसके मकबूल समर्थन करता है जो पनौती बोला, और पनौती को पनौती ही बोला जाएगा, और आप बोलते पनौती बोला राहुल गांधी को? अरे मोदी जी ने खुद राजस्थान चुनाव में क्या बोला कि जाहिलों का सरदार, राहुल गांधी को अब जाहिलों का सरदार बोलते हैं, और मोदी जी कहते हैं कि ऐसा बटन दबाओ कि कांग्रेस फांसी में लटक जाए, और आपका चुने हुए सांसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर में खड़ा होकर एक मुसलमान नेता को गाली देता है। आप बताइए मोदी जी बड़ा है या गांधी जी बड़ा है? बताइए ना पत्रकार साहब, कौन बड़ा है, गांधी जी बड़ा है या मोदी जी बड़ा है? गांधी जी को डेली गाली दिया जाता है, गांधी जी का पुतला बना के आपका सांसद को सांसद गोली मारता उसमें, तब आपका मुँह नहीं चलता, तब आप कुछ नहीं बोलते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दी जाती है, हमारे टी राजा सिंह जो नबी का शान में गुस्ताखी करता है गाली देता है, उसको आप चुनाव लड़ा रहे? वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो गांधी जी को गाली दे सकते हैं। सोनिया गांधी को क्या कहा था ये कुत्ता अर्णब गोस्वामी, एंटोनियो माइनो, आप इटली से गाली गलौज करते सोनिया गांधी को, एक इतना इज्जतदार महिला को जो अपना संस्कृति छोड़कर हिंदुस्तान में आके पूरा हिंदू संस्कृति को अपनाया, देश को संभाला, आप उनको गाली दे रहे, और मोदी जी को पनौती बोलिए दे दी, आनबद बिलबिला रहा है एकदम, कीड़ा खतरे निकल के एकदम। पनौती किस हिसाब से मोदी जी ने सबका ड्रेसिंग रूम में जाकर मुलाकात की और समी को गले भी लगाया, मतलब सीने में लगाकर समी तुमने अच्छा परफॉर्मेंस किया। गैरत इंसान है, और इतिहास में दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई एक कंट्री का बताइए, इवन इंडिया का भी इतिहास आप देख लीजिए, बता दीजिए जिसमें कोई प्रधानमंत्री को पनौती बोला। प्रधानमंत्री वहाँ के सबसे बड़ा तो कैमरा जीवी है, वो वर्ल्ड कप में खड़ा होकर में कैमरा देख रहे, कैमरा कहाँ है, कैमरा कहाँ, कैमरा भैया इधर आओ, कल फोटो उठाना है, गोदी मीडिया में जाएगा। अरे आपने नोटिस किया होगा जब वो ड्रेसिंग रूम में गए तो ड्रेसिंग रूम में मोदी जी का आवाज़ बहुत क्लियर आ रही थी, कैमरामैन दूर में है लेकिन आवाज़ क्लियर आ रही थी, तो इसका मतलब मोदी जी अंदर माइक लगा के थे, तो इसका मतलब मोदी जी को अपना प्रमोशन चाहिए था। मतलब हम तो दुखी है, हम सब भारतीय दुखी है कि इंडिया हार गया, लेकिन एक बात बता, अगर ये इंडिया वर्ल्ड कप जीतता ना भाई, कसम खुदा की पूरा गोदी मीडिया का जो ब्रेकिंग न्यूज होता ना, आज मोदी जी गए नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जीता भारत, क्या भारत जीता मोदी जी का वजह से, क्या बैटिंग मोदी जी कर रहे थे, क्या बॉलिंग योगी जी ने डाला, कीपर के अनुराग ठाकुर थे, ये चलता। आज देखिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किस्मत वाला जो प्रधानमंत्री मोदी जी थे, बोल के जीते, मोदी जी पिच खराब था, मोदी जी फूकी है पिच सही हो गया, बागेश्वर धाम आए थे फूक दिया पिच सही हो गया, तो ये चलता। और वहाँ पे मोदी जी शर्म आना चाहिए, 140 करोड़ लोग रो रहे हैं, आंख में आंसू है, वहाँ पे मोदी जी ऐसा कर रहे भाइयों बहनों, अरे भाई तुम्हारा वो रैली नहीं है,
राजस्थान का चुनाव रैली नहीं है, वो मध्य प्रदेश चुनाव रैली नहीं है। तो वहाँ पे सब लोग दुख में है, लोग रो रहे हैं, विराट कोहली रो रहा है, मोहम्मद सिराज रो रहा है, और वहाँ पे जाकर हंस रहे हैं कर रहे हो। जनता को ग्रीट करना कहाँ से गलत है? कौन सा जनता हो? सबसे पहला बात, देश का प्रधानमंत्री होने का ड्रेसिंग रूम में जाने की इजाजत किसने दिया? ये ICC रूल के खिलाफ है, नहीं जा सकता। सुनिए, वो प्रधानमंत्री है, वो ये कोई तानाशाही नहीं चल रहा है, ये कोई मुगल का दौर नहीं चल रही है, ये कोई गल्फ कंट्री नहीं कि राजा जो बोलेगा वो। यहाँ पे संविधान से चलता है देश, लोकतांत्रिक देश है। मोदी जी चाहेंगे मेरा घर में भी घुस जाएंगे, इसका मतलब हम प्रधानमंत्री है? घुस के जो ब्लू कलर का टी शर्ट पहन के आ जाते हैं, वेस्ट कोट पहन के आ जाते हैं, वो तो एक्टिंग बाज है, नाटक बाज है। मतलब कैमरामैन भी देखिए, वर्ल्ड कप जीता पैट का, मतलब ऑस्ट्रेलिया उसका कप्तान को वर्ल्ड कप पहुँचाया गया, लेकिन कैमरामैन जो है उसने बोला रील्स बनना, कैमरामैन फोकस करो, वही चीज़ है, मोदी जी पे फोकस करो, मतलब पैट कमिंस को मत देखो, वर्ल्ड कप को मत देखो, मोदी जी पे फोकस करो भाई। ये इंसान वाकई, आप बताइए ना, 2011 का वर्ल्ड कप जो हम लोग जीता था, राहुल गांधी जी बैठ के थे ना। आज बताइए ये वाला वर्ल्ड कप में कौन बैठ के था? मोदी जी बैठ के थे। और आप 3 घंटा तक इंडिया का फेवर में गेम था, जहां भाई साहब एंट्री मारे बस टाटा बाय बाय खत्म, नहीं आते मोदी जी। आप अमित शाह को बुलाए, सबसे पहली बात ये बहुत बड़ा सवाल है, कार्रवाई होना चाहिए। अमित शाह आ सकता है वहाँ पे, सचिन आ सकता है वहाँ पे, मोदी आ सकता है वहाँ पे, लेकिन कपिल देव क्यों नहीं आए, क्यों नहीं बुलाए आपने? कौन सी चूक? वाह, अमित शाह को बोलने में आपसे चूक नहीं हुई, रणवीर सिंह को बोलने में चूक नहीं हुई, शाहरुख खान को बोलने में चूक नहीं हुई, आशा भोसले या लता मंगेशकर, आशा भोसले को बोलने में चूक नहीं हुई, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बोलने में चूक नहीं, कपिल देव को बोलने में चूक हो गई। वाह भाई वाह। और आप बोलते हैं राहुल गांधी पनौती, अरे राहुल गांधी को कैरेक्टर डैमेज करने के लिए 100-100 करोड़ खर्चा किया गया, पप्पू खुद है, राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए गोदी मीडिया को पूरा लगा दिया गया, IT सेल को लगा दिया गया, तब राहुल गांधी को चोट नहीं पहुंचती, तब वो बहुत सभ्यता का बात है, तब वो सभ्यता का बात है। राहुल गांधी का एक फेक वीडियो वायरल किया गया था कि वो पार्टी करे कोई लड़कियों के साथ, आप तब वो सब वायरल करो, उल्टा सीधा इल्जाम लगा तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन पनौती राहुल गांधी बोल दिया तो आपको मिर्चा लग गया। राहुल गांधी तो बहुत अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, बोला पनौती बोला, कोई और बोलता तो ना जाने क्या क्या बोलता, क्या बोले। 1987 के बाद इंडिया वर्ल्ड कप हारा है, 96, 99, 2003, 2007, उस वक्त कौन बैठा था कि इंडिया हार गया? क्या बोल रहे सीधा इल्जाम मोदी पे डाला कि मोदी के जाने की वजह से हार गया, मोदी को नहीं है। हाँ, पहले भी तो 96, 99, 2003, 2007 में भी तो वर्ल्ड कप में इंडिया हारा है। हाँ, उस वक्त फिर कौन बैठा था? इस बार आप मोदी पे जो इल्जाम लग रहा है कि वो पनौती है, मोदी पे इसीलिए इल्जाम लग रहा है कि इंडिया मैच अच्छा खासा जीत रहा था, मोदी जाके बैठा और मैच हार गया, और इसीलिए। और इवन कमेंटेटर जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर है जो ऑलरेडी क्रिकेट खेल चुके, वो लोग बोल रहे पिच कैसा बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाउ दिस पिच इज बिहेविंग, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, वो लोग कह रहे। और आप मोदी जी को वहाँ पे प्रमोशन के लिए भेज दिए, वो क्या 2024 का चुनाव इलेक्शन चल रहा था, क्यों नहीं इल्जाम देंगे मोदी को? 100% इलेक्शन देंगे, इल्जाम देंगे। देखिए, वर्ल्ड कप में एक चीज़ सबसे अच्छा हुआ जो देख कर दिल बाग बाग हो जाता है और खुशी हो जाती है, नरेंद्र मोदी सोचा था कि दोनों स्टैंड दोनों तरफ से जब बॉलिंग होता है ऊपर लिखकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जब कैमरामैन फोकस करो तो मोदी जी का नाम दिखेगा, तो यहाँ से मोदी जी का हाईलाइट होगा। लेकिन वहाँ पे मोदी जी का खुद का स्टेट गुजरात में एक लड़का जॉन ऑस्ट्रेलिया से आकर जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच कर विराट कोहली को हक करके फलस्तीन का झंडा को लहराया, फलस्तीन को समर्थन किया, वो देख के ना दिल बाग बाग हो जाता है। आज बताइए, वो लड़का के ऊपर 332 और 447 का IPC का था, उसके ऊपर केस कर दिया गया। लेकिन जब रिजवान जब जा रहा था, जब पाकिस्तान को जब जा रहा था, तब तुम्हारे लोग वहाँ पे जय श्री राम का नारा लगा दे, उसके ऊपर केस हुआ? रिजवान जो है वो पाकिस्तान जो भी है हमारा दुश्मन कंट्री है, लेकिन तुम जब होस्ट करो वो हमारे मेहमान है, और तुम्हारे भाषा में हमारे हिंदू भाई लोग कहते हैं मेहमान भगवान स्वरूप होते हैं, अतिथि देवो भव, भगवान स्वरूप होते हैं, तुम अपना भगवान को ऐसा बोलते हो? आज बताइए, क्रिकेट स्टेडियम में जय श्री राम का गाना बज रहा है, क्यों भाई? वो क्या तुम्हारा वहाँ क्या राम राम पूजा हो रहा है क्या? रामनवमी चल रहा है वहाँ पे, छठ पूजा चल रहा है, दुर्गा पूजा कर, क्या पूजा चल रहा है? वो क्रिकेट का मैदान है, वहाँ पे भी तुम डेविड वार्नर खड़ा होकर वहाँ पे जाके जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, मोहम्मद रिजवान जा रहे जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, बाबर को तुम गाली दे रहे हो। आज अब मैं बोल दूँ कि इसी के वजह से वहाँ पे मैच आ रहा, आज इतिहास में कभी तो हिंदुस्तान में नहीं हुआ कि मैच चल रहा जय श्री राम का तुम नारा लगा रहे हो, इवन DJ जय श्री राम का गाना बजा रहा है। एक और बात है, कई लोगों का कहना है कि अगर ये फाइनल मैच मुंबई या दिल्ली में होता तो शायद हिंदुस्तान जीत जाता था, कलकत्ता में होता तो शायद हिंदुस्तान जीत जाता था, ये अहमदाबाद में करवा करके ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा। देखिए, कीर्ति आज़ाद जो ट्वीट किया, पूरा एक्सप्लेन किया क्या क्या रूल्स है, इवन VIP का भी एक जगह होता है जहाँ पे वो जाकर मिल सकते हैं, इवन वो मैदान में भी आना अलाउड है,
लेकिन मोदी जी चाचा आप क्या समझते हो खुद को, आप यहाँ मत रहो। हम तो बोलते हैं मोदी जी को चंद्रयान 2 में भेज देना चाहिए, आप वहीं से कंट्रोल कीजिए, आप जमीन में मत रहिए, जमीन का इंसान नहीं है। 18 घंटा जो काम करते ना, दिख गया आपका 18 घंटा, 6 घंटा वहाँ जाके बैठ के रहते, ऐसे ऐसे करते, का बेटा मोहम्मद शमी को ला के, का बेटा अब बाबू अब बाबू, कैसा आप प्रधानमंत्री हो? दिस इज नॉट द वे PM शुड बिहेव मैन। ये कैसा है, हारते 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 करके हंस रहे आप, अच्छे नहीं लगते हो मोदी जी आप, ये बात याद रखना। हौसला अफजाई कर रहे थे आप, उनका मजाक। हाँ तो आपका बोलना नहीं चाहिए, आपका घर में कोई मर जाएगा ना, हम बोलेंगे बेटा गुस्सा मत हो, बेटा आराम से रहो, क्या 100 करोड़ लोग रो रहे हैं तो क्या हुआ, तुम रहो, ऐसा हौसला अफजाई नहीं होता है। और वहाँ पे मोदी जी यार कोई तो जगह, मोदी चाचा कोई तो जगह चले जाओ बिना कैमरा का भाई, अपना अम्मा से मिलने जाते तो कैमरा लेके, जब तक कैमरामैन गाड़ी से नहीं उतरता मोदी जी नहीं उतरते थे। और मोदी जी का गाड़ी में देखिएगा सामने लाइट होता है कि वो जब आए तो पहले कैमरा उनको तरफ जाना चाहिए। तो ये कोई हौसला अफजाई का तरीका नहीं होता भाई, जब देश रो रहा है आप वहाँ पे हाथ दिखा रहे हो, वहाँ पे हंस रहे हो, जैसे आप रैली में आए हो सबको ऐसा ऐसा कर रहे हो, तो ये गलत चीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ मोदी ना जाते तो ना ढूंढते, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ना होता तो ना बोलते, मोदी जी जाके मैच का पूरा रुख बदल जाता तो नहीं बोलते। आज कपिल देव को क्यों नहीं बोला है, सबसे बड़ा सवाल ये है। कांग्रेस के षड्यंत्र को प्रमोट कर रहे हैं मैच के हम। कौन? देखिए सच बोलना, अगर कांग्रेस का प्रोपोगंडा को प्रमोट करना होता है, तृणमूल का प्रोपोगंडा को प्रमोट करना होता है, और BSP का, समाजवादी पार्टी, CPM का, किसी का भी प्रोपोगंडा, आप तो पत्रकार है, आप लोग नहीं पता कहाँ से पैसा लेते आते क्या क्या करते, तो सामने वाले को जो बोलना बोल देते। सच और हक बोलना और मोदी जी के खिलाफ बोलना, किसी के आइडियोलॉजी को प्रमोट करना, तो इसके मकबूल डंके का चोट में हमेशा से करते हुए आ रहा, कयामत तक करेगा। कोई माइकल लाल कुछ कर सकता है तो कर ले, समझ रहे ना?